गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक मिंत्रा की शर्ट। मतलब मैंने मिंत्रा से एक कैजुअल शर्ट ऑर्डर की थी जिसका मैं आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे वो शर्ट पर्सनली कैसी लगी है। और वैसे तो मुझे वो अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस ये है वो शर्ट जो कि मैंने मिंत्रा से बाय की थी, और इस शर्ट का प्राइस है 679 रुपीज़। तो आप सोच सकते हैं 679 रुपीज़ में मुझे ये मिली है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और इसकी जो बेस्ट बात है वो अभी मैं कुछ देर में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्यों लगी है। सो पहले हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो कि मैंने बता दिया है 679 रुपीज़। और फिर इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है। फिर अब ये देखिए खुलने के बाद इसमें पीछे की तरफ एक कैप भी दी गई है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इसमें कैप भी है। तो कैप वाले कपड़े मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं पर्सनली, मुझे वाले अच्छे लगते हैं। पीछे कैप कुछ स्टाइलिश लुक आता है ना। सो ये कुछ इस तरह की शर्ट है, इसमें इस टाइप मतलब यहाँ पे एक पॉकेट दी गई है जिस तरह से। फिर ये पूरी कुछ इस तरह से है, और मैंने इसका स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था, और इसमें 4 साइज़ अवेलेबल थे, स्मॉल मीडियम लार्ज और शायद एक्सेल, हाँ लार्ज और एक्सेल साइज़ भी था। तो मैंने ये स्मॉल अपने लिए ऑर्डर किया है। तो ये जो ये है शर्ट है, ये 2-in-1 शर्ट है, मतलब इसमें दो आपको शर्ट के लुक मिलते हैं। तो फर्स्ट लुक तो कुछ इस तरह से जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, कुछ इस तरह से है। इस लुक में आप देखेंगे तो आपको इस साइड पॉकेट मिल रही है, प्लस इसमें ये लॉन्ग स्लीव्स हैं। ये देखिए ये कुछ लॉन्ग स्लीव मतलब कुछ सॉरी ये लॉन्ग स्लीव्स हैं इसमें। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक बटन दी गई है, और यहाँ पर भी ये तो इसकी कैप की डोरी है, फिर यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बटन्स दी गई हैं। इन जो बटन्स की क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये रोस्टेड ब्रांड की है इस। ये देखिए हाँ यहाँ पे ये टैग भी दिया गया है रोस्टेड ब्रांड का। डोंट नो यू कैन सी और नॉट, क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा आई थिंक। सो ये कुछ इस तरह से थी। इसमें जो ये बटन की क्वालिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये मशीन वॉशेबल है, मतलब इसे वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मैं इसका दूसरा व्यू दिखाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है। एक मिनट ओपन करके दिखाती हूँ। फिर इसको आप पलट के इस साइड से भी पहन सकते हैं, तो इसमें दो लुक आते हैं। आप इस साइड से भी इसको वेयर कर सकते हैं, प्लस इस साइड से भी आप वेयर कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली ये दोनों ही प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और अगर इन दोनों में से कोई एक पूछा जाए तो मुझे ये ब्लैक वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देन अगर आप इस साइड भी देखेंगे तो अगेन आपको इस साइड भी यू नो इस टाइप की बटन्स हैं इसको टाई करने के लिए, और फिर इधर भी आपको कैप आता है जिसमें कैप की प्रिंट भी चेंज हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसकी जो रियल इमेज है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अटैच कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और मिंत्रा पे एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी नॉट मिंत्रा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से अगर आप बाय करते हैं तो प्राइसिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहती है, बिकॉज मैंने ये दिवाली सेल में मंगाया था तो मुझे इतने का मिला। और हो सकता है आप जब इसको बाय करें तो आपको इससे भी सस्ता मिल सकता है, इससे महंगा भी मिल सकता है, तो उसको आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इनमें प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है आई थिंक। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने जब ये मंगाया था तो उसे 1100 रुपये का मिला था, मतलब आप सोच सकते हैं मुझे ये 679 रुपीज़ का मिली है और उसको 1100 रुपीज़ में मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने दिवाली सेल में मंगाया था इसलिए मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया, आई थिंक उस टाइम ऑफर चल रहा था। सो इसलिए तो आप लोग इस प्राइस को लेकर माइंड मत कीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से थी। इसका पूरा लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, पहनने पे बहुत ही क्लासी लगती है। सो मैं इसको पहन के आपके साथ एक ट्राई हॉल मतलब
पहन के एक लुक जरूर आप अटैच कर दूंगी इसके साथ, तो आपको गेस करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी कि कैसी लगती है। मैं दोनों लुक में इसको पहन के भी अटैच कर दूंगी, इसको पहन के भी अटैच कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि वो ओवरऑल कैसी लग रही है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और इसका ओवरऑल लुक देख के ही आप वीडियो को क्लोज करिएगा। बाय बाय, चलिए अब लुक देखिए।